हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, क्लास 10th की साइंस के अंदर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन हमें कह रहा है, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन बाय। जो से ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स होते हैं, यानी जब लेस चिप्स वगैरह वगैरह बहुत सी चीज़ें होती हैं, उनके पैकेटों में नाइट्रोजन क्यों भरी जाती है? तो दोस्तों, इसका आंसर पढ़ते हैं, टू कीप फूड आइटम फ्रेश एंड सेव फ्रॉम गेटिंग ऑक्साइड फूड आइटम आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन। फूड आइटम को फ्रेश रखने के लिए और फूड आइटम्स को ऑक्सीडाइज होने से बचाने के लिए फूड आइटम्स में नाइट्रोजन को भरा जाता है। नाइट्रोजन एक लौती ऐसी गैस है जो कि फूड को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है उसके ऑक्सीडाइज होने से। अब आप लोगों को पता होगा कि अगर आपके में नमकीन या बिस्किट या लेस कुछ भी अगर 1 घंटे से ज़्यादा कुछ ऐसे पड़ा हो तो वो सील जाता है, यानी वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो उस ऑक्सीडाइजेशन से बचाने के लिए उन पैकेटों में, जिन पैकेटों में वो आते हैं, उनमें नाइट्रोजन भरी जाती है, जो कि हेल्प करती है प्रोटेक्ट करने में फूड आइटम को ऑक्सीडाइज होने से। सो दोस्तों, उम्मीद है आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और आने वाली वीडियो के लिए बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।